नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्लैक बोर्ड बाबा पर। तो आज एक नए इशू के साथ मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। इस इशू को डिस्कस करने से पहले मैं एक बार आपको भारत का मैप दिखाना चाहता हूँ, तो आप एक बार भारत का नक्शा देखें। ये वाला जो हमारा पार्ट है पूरा, इसको बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, कौन कौन से स्टेट आते हैं? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। इन 8 स्टेट्स को मिला के यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट बनता है। अगर इसमें से हम सिक्किम हटा दें तो केवल इन 7 स्टेट्स को बोला जाता है सेवन सिस्टर्स स्टेट। सेवन सिस्टर्स स्टेट ये इसका नाम है। ये इंडिया का ही पार्ट है। इसके बाद ये जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख, ये दोनों भी भारत के ही पार्ट हैं। जिन लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि ये चाइना का पार्ट है या फिर यहाँ पे ये पाकिस्तान का पार्ट है, तो वो अपना कन्फ्यूज़न दूर कर लें। ये बताना इसीलिए ज़रूरी ना, क्योंकि आज का जो हमारा मुद्दा है वो इसी चीज़ से रिलेटेड है। तो ये मैप आप अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं। जो भी पेरेंट्स देख रहे हो, कोई बड़े भाई बहन हो, तो अपने छोटे भाई बहनों को ये बताएं कि भाई ये डिस्प्यूटेड एरियाज है, लेकिन पूरा का पूरा ये पार्ट इंडिया का ही है। तो अब मुद्दा क्या है, उस मुद्दे को समझने के पहले आप इस वीडियो को देखें, जस्ट 1 मिनट का है, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो आप, मैं इनकी फोटो दिखाता हूँ आपको, ये आपको इंडिया के लग रहे हैं? सही सही बताना कमेंट करके, मेरी वीडियो जितने भी बंदे देख रहे हैं आप मेरे को बताना, ये मुझे तो नहीं लग रहा कि भाई ये इंडिया के हैं। बाकी उसके बाद इनकी बैनर वाली फोटो भी देख लेते हम, इसमें भी मुझे एक भी इंडियन नहीं लग रहा। अब शायद अरुणाचल प्रदेश के बंदे ही ऐसे दिखते हो, मुझे नहीं पता, मैं कभी मिला नहीं उनसे। बाकी उसके बाद चलो ये भी देख लिया हमने, और इनका नाम पढ़ो भाई, मुझे तो ये इंडियन नेम लग ही नहीं रहा, ये नाम मुझे पढ़ने में भी नहीं आ रहा, मैं पढ़ना भी नहीं चाहता। और उसके बाद हम अरुणाचल प्रदेश को मैप में सर्च करते हैं, ये हमारा इंडिया है, ठीक है, बहुत बड़ा इंडिया है हमारा, जैसा कि आप सभी को पता ही है। और यहाँ पर मुझे अरुणाचल प्रदेश दिख क्यों नहीं रहा है भाई, कहाँ गया, किधर को गया? अरे यार, ये तो चाइना की साइड में है। ओ हो, ये रहा कोने में अरुणाचल प्रदेश, इसके ऊपर भी चाइनीज सिटीज हैं, साइड में भी चाइनीज, मतलब ये चाइना वालों का ही है, एक तरह से उन्हीं के साथ ही है, हल्का फुल्का टच होता है, इंडिया में आता है अपने। अब वीडियो आपने पूरा देख लिया है, अब डिस्कस करते हैं। ये महाशय एक यूट्यूबर है जिनका नाम है पारस। इन्होंने अभी क्या किया कि ये हमारे MLA है एक अरुणाचल प्रदेश से, तो इन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर को एक ट्वीट किया और एक लेटर भी भेजा कि जो बैटल ग्राउंड, जिसको हम पुराना पबजी के नाम से जानते हैं, वो एक गेम आ रहा है, इसको भारत में बैन कर देना चाहिए, क्योंकि इससे इंडिया की सिक्योरिटी और प्राइवेसी को लेके इशू हो सकते हैं। अब जैसे ही इन्होंने लेटर पोस्ट किया, तो ये क्रिटिसिज्म में यहाँ तक बोल गए कि ये चाइनीज जैसे दिखते हैं, ये जो अरुणाचल है वो चाइना का पार्ट नहीं है, ये सारी चीज़ें इन्होंने बोली। उसके बाद इन पर एक FIR हुई, हाल ही में इनको अरेस्ट भी कर लिया गया है। फिर वीडियो बनाने का मकसद क्या था, इनिशियली मैं इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इनने एक वीडियो डाली, ठीक है, एक अपॉलोजी वीडियो डाली इस यूट्यूबर ने, जिसमें सॉरी बोलने के लिए, लेकिन जो इसके सॉरी बोलने का तरीका था कि हाँ ठीक है यार, गलती हो गई, माफ़ कर दो, अब क्या फांसी पे चढ़ा दोगे, मतलब एक जो एरोगेंस थी कि ठीक, गलती का कोई एहसास नहीं था, तो उसी से ये एक रेसिज्म वाला टॉपिक निकल के आता है कि इंडिया में कैसे लोग किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है, जिससे एक पूरा स्टेट अफेक्ट हो रहा है, उसके बाद भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप इतना ईजिली ले रहे हो। बुरा इस बात का है कि आप जाके इसके चैनल पर देख सकते हैं कि इसकी जो मदर है वो बहुत बुरे तरीके से वहाँ पे रो रही है इसके लिए, लेकिन फिर भी इसको कुछ यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इन्फ्लुएंसर अपने आप को बोल रहा है, लेकिन आपके पास अगर क्राउड आता है तो आपके साथ रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है, आप एक यूट्यूबर हो तो आपको चीज़ें सोच समझ के बोलनी चाहिए थी यहाँ पे। इसको फॉलो करते हुए इसके बाद 2 यूट्यूबर्स ने और ऐसे ही बोला और उनको भी अभी अरेस्ट कर लिया गया है। अभी जो ये केस है रेसिज्म के अगेंस्ट बन गया है, और इसमें बहुत सारे लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स भी आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, लेकिन इनको भी अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। अभी हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में। देखो, नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, चाहे फिर वो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात हो, स्ट्रेटेजिक पॉइंट से देखें सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात हो वो वाला, या फिर हमें बे ऑफ बंगाल का एक्सेस चाहिए हो, आशियान रीजन में हमें एंट्री करना हो, या फिर पूरा साउथ एशिया से हमें कनेक्ट बनाना है, तो उसके लिए नॉर्थ ईस्ट स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें, नॉर्थ ईस्ट ने हमें क्या दिया है, तो वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड, ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड,
इंडिया का वर्ल्ड में इकलौता फ्लोटिंग लेक, ठीक है, जो तैरता हुआ है, नेशनल पार्क तैरता हुआ। इसके बाद इंडिया का लार्जेस्ट ब्रिज गोल्डन मोगा सिल्क। इसके बाद ऑर्चिड स्टेट ऑफ इंडिया, कौन सा है आपका? अरुणाचल प्रदेश। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश होने की बात हो, वर्ल्ड का सबसे क्लीनेस्ट विलेज हो, या फिर मेजर हरभजन सिंह, जिनका अभी बोला जाता है कि रात में वो एज अ घोस्ट बन के आते हैं और अभी भी वहाँ पे पहरा देते हैं, ठीक है। तो चाहे आर्मी के फॉर्मर सेक्रीफाइसेस की बात हो, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया की बात हो, या फिर सूर्योदय की बात हो, सनराइज की, जिसको लैंड ऑफ सनराइज, सबसे ज़्यादा चाय उगाने की बात हो, फिर म्यूजिशियन जैसे SD वर्मन, RD वर्मन, बर्न हॉर्न राइनो की बात हो, या फिर पुराना जो बार्टर सिस्टम जो हम एंशिएंट टाइम में फॉलो करते थे उसको भी आपको अभी देखना हो, या दर्जनों आपको स्पोर्ट्स पर्सन, चाहे फिर वो मैरी कॉम हो, दीपा कर्माकर हो, मीराबाई छानू हो, भाईचुंग भूटिया, और इतने सारे लोग, ये सारे के सारे नॉर्थ ईस्ट से निकल के आते हैं। तो अब आप समझ सकते हो कि नॉर्थ ईस्ट का भारत की डेवलपमेंट में और भारत के अचीवमेंट में कितना बड़ा रोल है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। लेकिन रेसिज्म इन लोगों के साथ कंटिन्यू होता रहता है। तो रेसिज्म पहली चीज होती क्या है, पहले हम उसको समझेंगे। तो देखो, बेसिकली आपके मन में जो स्टीरियोटाइप बने हुए हैं, पहले से जो प्रेजुडाइज बने हुए हैं, या किसी भी पर्सन के लिए बायस है, इनटॉलरेंस है, कि बेसिकली आप उसको अपने पास खड़ा नहीं होने दे रहे हो, उससे ढंग से बात नहीं कर रहे हो, ढंग से बिहेव नहीं कर रहे हो, तो ये जो आपके मन में स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं, ये सब आप क्यों नहीं कर रहे हो? जस्ट बिकॉज क्योंकि उसका स्किन का कलर आपसे अलग है, या फिर उसका जो लिप्स का स्ट्रक्चर है, या बोलने का तरीका है, या फिर जो उसके पैदा होने की जगह है, प्लेस ऑफ ओरिजिन, वो आपसे थोड़ी डिफरेंट है। उस वजह से क्या है, आप उस पर्सन से एक डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहे हो, इसको बोला जाता है यहाँ पे रेसिज्म। अब रेसिज्म का अगर हम बात करें कि रेसिज्म की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो देखो इंडिया में कोई भी चीज़ है ना, हर चीज़ को बढ़ाया ब्रिटिशर्स ने, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि स्टार्ट यहीं से हुआ, स्टार्ट और पहले से हो गया था, लेकिन इसको बढ़ाने में सबसे मेन रोल है ब्रिटिशिज्म का। तो ब्रिटिशर्स की अगर हम बात करें तो इंडिया में ऋग्वेद के टाइम से ही कास्ट सिस्टम आ गया था, ठीक है, लेकिन उसके बाद मुगल्स जब एंटर करते हैं, या हम बोल सकते हैं जो बाहरी ताकतें थी जब वो इंडिया में आती हैं, तो वहाँ से जब ये लोग एंटर करते हैं तो पहली बार ब्लैक और वाइट्स आते हैं, ठीक है। जब मुगल्स आते हैं तो वो लोग कंपैरेटिवली वाइट थे, इंडियंस ब्लैक थे, तो पहली बार ब्लैक और वाइट का ये सिस्टम यहाँ पे इन्वेंट होता है। लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स एंट्री करते हैं आपके 1600 के अराउंड, ये इस चीज़ को किस में कन्वर्ट कर देते हैं कि जो वाइट रेस है वो सुपीरियर होती है और ब्लैक रेस है वो इन्फीरियर होती है, ये इस तरीके से माहौल बना देते हैं पूरे देश में। और वहीं से क्या होता है, यहाँ पे रेसिज्म अपने पीक पे पहुँचने लगता है, वहाँ से रेसिज्म का स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब इंडिया में तो रेसिज्म इतने हद तरीके से फैला हुआ है कि आप देखो, अगर कोई बच्चा काला होता है तो हम उसका नाम कालू रख देते हैं, ठीक है, कोई बच्चा गोरा होता है तो उसको भूरा बोल दिया जाता है। तो ये बेसिकली स्किन के कलर के बेसिस पे आप जस्टिफाई कर रहे हो। आप मैट्रिमोनियल एड्स देखो, हर जगह बिल्कुल ऐसा ही लिखा रहता है, गोरा लड़का चाहिए या गोरी लड़की चाहिए, इस तरीके का। फेयरनेस क्रीम के ऐड होते हैं जो कि फिल्म स्टार्स करते हैं, जो अभी इनको सपोर्ट कर रहे हैं, यही फिल्म स्टार्स हैं जो फेयर एंड लवली एंड फेयर एंड हैंडसम के एड्स यहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंडिया में अभी भी रेसिज्म को प्रमोट करती हैं बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिव माइंडसेट, लेकिन धीरे धीरे इनको चेंज करने की ज़रूरत है। अब चेंज करने की जगह ये चीज़ें और बढ़ रही हैं, स्पेशली अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट के केस में। जैसे आपको एक एग्जांपल मैं देता हूँ, अभी कोरोना के टाइम पे ही यहाँ पे एक ये फीमेल है, तो लोगों ने इनको चाइनीज़ वायरस बोल के, वहाँ पे कोई लड़का था उसने चाइनीज़ वायरस बोल के और इनके ऊपर थूक दिया। तो इस तरीके के भी केसेस देखने को मिल रहे हैं। एक स्टोरी है जो हिंदुस्तान टाइम्स में छपी है, यहाँ पे नमाडी लॉरेंस करके एक पर्सन है जो कि नाइजीरिया से हिंदुस्तान पढ़ने आए, ठीक है। तो आप बिलीव नहीं करोगे, इंडिया में इनने आके पहला जो हिंदी का वर्ड सीखा वो था कालू, क्योंकि हर कोई इनको कालू कालू बोलता रहता था, तो हिंदी का इनने जो पहला वर्ड सीखा है वो है कालू, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हो कि रेसिज्म हमारे यहाँ पे किस तरीके से है। तो रेसिज्म के अगर हम कुछ और इंसिडेंट्स की बात करें, तो जैसे आपको याद होगा 2014 में दिल्ली में एक इंसिडेंस हुआ था जहाँ पे नीडो टानियाम करके एक लड़का था जिसको बहुत बेरहमी से लोगों ने मार दिया था रेसिज्म के चक्कर में। उसके बाद सरकार की थोड़ी सी आंखें खुली और फिर सरकार ने क्या किया, एक बेस बरुआ कमेटी बनाई, ठीक है, बेस बरुआ कमेटी बनाई,
इनने कुछ चीजों को रिकमेंड किया, इनने बोला कि हम कुछ चीजें आप इम्प्लीमेंट करोगे तो उससे आप क्या कर सकते हो, रेसिज्म को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हो या खत्म कर सकते हो। तो सबसे पहला इनका क्या था कि जो स्कूल एजुकेशन होती है, ठीक है, तो स्कूल एजुकेशन में नॉर्थ ईस्ट के बारे में ज्यादा पढ़ाना चाहिए ताकि लोग नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट कर सके। दूसरा इन्होंने बोला कि जो बड़े बड़े एरियाज हैं जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलोर हो गया, तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट जो लोग हैं उनके लिए स्पेशल पुलिस चौकी होनी चाहिए, ठीक है। लोगों के बीच में एक मिक्सचर जरूरी है, और ये कैसे हो सकता है, आप स्पोर्ट्स कंडक्ट करा सकते हो, आप मीट कंडक्ट करा सकते हो, ऐसे कल्चरल प्रोग्राम करा दिए ताकि लोग घुले मिले। दूसरा इन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट जो बोला कि अगर ऐसे भी किसी भी लोग के साथ इस तरीके का अटैक होता है तो उसके लिए एक रिलीफ फंड बनाना जरूरी है ताकि उनको मदद की जा सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इन्होंने बोली कि जो इंडिया में होता है नॉर्थ ईस्ट लोगों के साथ, कि जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल चिंकी, मोमोज, चाइनीज, हंका नूडल, चीची, चूचू, ये जो वर्ड्स हैं जो इनके लिए बोले जा रहे हैं, इनको पूरे तरीके से बैन करना चाहिए और इनको एक पनिशेबल ऑफेंस बनाना चाहिए। अब गवर्नमेंट ने ये किया भी, गवर्नमेंट ने इनको बैन किया, 5,000 का यहाँ पे पनिशेबल ऑफेंस भी बनाया कि जैसे ही अगर आप इनमें से कोई वर्ड यूज़ करते हो तो आपको 5,000 का फाइन भरना पड़ेगा। बट लेकिन आपको भी पता है कि ग्राउंड लेवल पे इन चीज़ों की रिपोर्टिंग नहीं हो पाती है, तो यहाँ पे और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट मेजर्स की ज़रूरत है। यहाँ पे जैसे एक अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि कोई भी नॉर्थ ईस्ट के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसको SC ST जो आपका एक्ट है उसके अंदर यहाँ पे क्या हो सकती है, कंप्लेन रजिस्टर की जा सकती है। तो एक ये भी प्रोविजन डाला गया। इसके बाद हमारे संविधान में भी बहुत सारे प्रोविजन है, जैसे आर्टिकल 15, 16, 19, 29 IPC के अंदर बहुत सारी धाराएं हैं जिसमें यहाँ पे सेफ्टी मेजर्स दिए गए हैं, बट लोगों को अब आगे आके कंप्लेन करनी पड़ेगी। जैसे इस केस में हुआ कि लोगों ने कंप्लेन की तो उस यूट्यूबर को अरेस्ट किया गया, और डेफिनेटली जुडिशरी अपने अकॉर्डिंग उसको सजा भी देगी, ठीक है। बट रेसिज्म को हमें ख़त्म करना पड़ेगा, और रेसिज्म को ख़त्म करने का सबसे बेस्ट तरीका जो है वो है एंटी रेसिज्म। एंटी रेसिज्म का मतलब क्या हुआ कि बेसिकली अगर कहीं पे कोई ब्लैक के साथ किसी भी तरीके का इंटॉलरेंस किया जा रहा है, बायसनेस किया जा रहा है, तो आप ऐसे एग्जांपल्स दिखाओ जहाँ पे लोग एक साथ बैठ के खा रहे हैं, एक साथ मिल रहे हैं, घुल रहे हैं। तो एंटी रेसिज्म ही एक ऐसा तरीका है जिससे हटाया जा सकता है। दूसरा, अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो बेस बरुआ कमेटी की जो भी रिकमेंडेशंस हैं उनको फुल्ली इम्प्लीमेंट करना चाहिए यहाँ पे। और जैसा कि उनने बोला कि स्कूल एजुकेशन में पढ़ाओ, बेसिकली नॉर्थ ईस्ट की आप जितनी ज़्यादा नॉलेज लोगों को दे सकते हो उतना देने की यहाँ पे ज़रूरत है। तो ये हमारा आज का पूरा वीडियो था जिसमें हमने जो नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ रेसिज्म होता है उसको समझा, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो यार लाइक कर देना, लाइक करने से ही रिकमेंडेशंस में आएगा। और इसी तरीके की और चीज़ों के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर और टेलीग्राम पर। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। वीडियो अच्छा लगे तो फिर से बोलूँगा लाइक कर देना। अपना और अपनों का ख्याल रखो, इन चीज़ों से थोड़ा सा बचो। रेसिज्म वाले जो वर्ड्स डेली लाइफ में हम भी यूज़ कर लेते हैं तो उनको बोलने से बचो, ठीक है। लोगों को बराबर रिस्पेक्ट दो और अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।